खुल गया। अरे कट्ठे हो गए तो मैं फोड़ देगा देने फिर होगा जो खुलेगा दो चार दिन चल उड़े। आज सब पागल हो गए हम लोग गर्मी में यहाँ पे एवरेज के चक्कर में रेंज रोवर साले शीशे नीचे गिरा के चल रहा है। एसी नहीं चल रहा, फास्ट टैग नहीं चल रहा, ऑटोमेटिक से भरोसा उठ गया मेरा। रेडी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ले लद्दाख सीरीज। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग हैं मनाली में, मनाली में नहीं एक्जैक्टली मंडी में हम लोग, और मंडी में हम लोग ने स्टे किया था, सोच रहे थे कि और ज्यादा आगे जाएंगे। अभी फिलहाल निकल रहे हैं हम लोग दिल्ली की तरफ, तो प्रॉब्ली ये आखिरी व्लॉग होगा इस सीरीज का। चलते नीचे सामान वगैरह रखते हैं, गाड़ी नीचे हमारी पार्क है। चलो भाई वापस 46 डिग्री पे, -3 से सीधे 45 डिग्री पे। भाई ये सेब से भी महंगे हैं क्या भैया? टूरिस्ट गाड़ी देख के आप 200 रुपए के जी। मैं भी काफी बेचूंगा भाई साहब, 200 रुपए मतलब सेब के बराबर है क्या इनकी वैल्यू? अपने गांव वालों को बोलो काफल इकट्ठे करो और यहां मैं यहां भेजूंगा। काफल मिल गया मुझे 200 रुपए के। पहले एक दो टेस्ट करो भैया, एक दो टेस्ट कराओ यार। पहले तो करो तुम करो टेस्ट। सही है, इतने महंगे होते हैं, मैं भी काफल उगाऊंगा भाई साहब। 200 रुपए की क्या होते हैं हिमाचल में काफल? अभी दिखा दो कैसे होते काफल एक बार ले ले देखते हैं। कितने सालों बाद टेस्ट कर रहे हैं यार मैं काफल। पहाड़ी फल इसे बोलते हैं काफल, ये पहाड़ी फल होता है। काफल में पेट खराब होता है ठंडी जगह होता है इसलिए हिमाचल में मिलता है। मेरे गांव में नहीं मिलता है, थोड़ा आगे ठंडी जगह में जाना पड़ता है, पिथौरागढ़ में मिलता है, जिसमें डालते हैं नमक तो उसके साथ चटपटा सा हो जाता है, लेकिन अंदर से गुठलियाँ होती हैं ज़्यादा। बचपन जब गाँव जाते थे ना तब बस स्टैंड वगैरह बहुत मिलता था, ये तभी खाया था बचपन में। उसके बाद अब तकरीबन 20 साल बाद ऐसा पागल हो गए हम लोग गर्मी में यहाँ पे। एसी नहीं चल रहा गाड़ी में, और टेम्परेचर 33 चल रहा है अभी। अभी तो फिलहाल अभी पहाड़ों में 33 डिग्री टेम्परेचर विदाउट एसी जा रहे। देखो शीशे खुले हुए सारे उस साइड भी इस साइड भी। अभी तो पहाड़ों में ठीक है कि बाहर से नॉर्मल हवा है, ठंडी हवा नहीं है, नॉर्मल हवा है। जब चंडीगढ़ पहुँचेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ये भी उतार दूँ लोग भी कह रहे होंगे साले देख एवरेज के चक्कर में रेंज रोवर में साले शीशे नीचे गिरा के चल रहे। चल रहा ठंडी हवा तो फेंक रहा है भाई, जितनी देर फेंक रहा उतनी तो लेंगे ही, फिर तो गर्म हवा लेनी है। फेंक रहा यार गर्मी में गर्म गाड़ी यार, फॉरेन की है ठंडी, यू नो इंग्लैंड की है, वहाँ पे गर्म हवा चाहिए होती है हमको, कह रहे इसी चलाएंगे गर्म हवा मार। मैंने अच्छा खासा सोचा था कि सोते हुए जाऊँगा और फिर ऑफिस का काम कर लूंगा, घंटा साले सोने को मिलेगा। लॉन्ग ड्राइव किया, चलो भाई। हाँ चल रहा है एसी नहीं चल रहा, फास्ट टैग नहीं चल रहा, ऑटोमेटिक से भरोसा उठ गया मेरा, मैनुअल लूंगा। सो हम लोग पंजाब में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से अभी भी सिक्स आवर्स है यहाँ पे, मतलब मैंने अपने घर का ही लगा लिया। कहाँ हम लोग -3 में थे ले लद्दाख में, चला है 36, दिक्कत वो नहीं है 36 जा रहा है, चले जाए तो 45 भी चले जाए, 45 भी चले जाए, साला एसी चल रहा है यहाँ पे। दिमाग खराब हो गया, वो था ना वो मुझे कल की चिंता नहीं है, मेरी पट्टी पड़ी है परसों में लेके, तो साला मुझे यहाँ टेंशन नहीं है। एनसीआर पहुंचे जब 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हुआ वहाँ पे क्या होगा। ले लद्दाख में देखा तो ना कि कोई भी साइन बोर्ड थे हिंदी में नहीं लिखा हुआ था, इंग्लिश में था, लद्दाखी लैंग्वेज में था और उर्दू में था, एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था, तो पढ़ने बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे खारू था, कई जगह खारू था कई जगह कारू लिखा हुआ था। ओनली फास्ट टैग भाई उसको माते भी चुका ले भाई, मुंडी मार निकले माते भी स्कैन कर ले मेरे। फास्ट टैग ऐसे लेके कौन घूमता है? नहीं काम करता था इसमें यार, निकाल रखा है तभी तो निकाला है। तो भाई की गाड़ी भेज दे इसमें, ना इस चलता है ना फास्ट टैग चल, बाकी सारे ऑटोमेटिक है, सीट पीछे कर लो आगे कर लो। ले लियो भाई एक बारी में इज्जत रख लियो। पीछे ठंडा हो रहा था क्या? किलोमीटर तो आ गए हम लोग, अभी तक एसी नहीं मिला सर, किस्मत ऐसी खराब है कि एसी मिला भी उस तरफ मिला। टाइप करने निकल गया खुल गया।
ओ भाई बच गया अभी इसके टन टन को पाला जाता। भाई 250 रुपए का टोल है ये। अबे क्या टोल ले रहे, क्या ले रहे हो? 70 को बोला था मैंने, उसको मत ले देगी। दोनों क्रॉस है, ये वाले भी क्रॉस है, वाले भी क्रॉस है, मतलब ये वाले फास्ट टाइम नहीं चलेंगे। ऐसा कुछ और है जो अभी देखना बाकी है। इस गाड़ी में मेन प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, क्या हो रहा है कि जब भी गाड़ी रेस पकड़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा आरपीएम जा रहा है, तो उसमें एसी बंद हो जा रहा है। खड़ी गाड़ी में अच्छा चल रहा था, अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब उल्टा हो गया। अब खड़ी गाड़ी में एसी चल रहा, चलती गाड़ी में अच्छा चल रहा है। क्या दिक्कत हो गई? अब हमारी क्या गलती है, यूजर खुद यूजर को परेशान करता है, और यूजर आके हमारे ऊपर भड़कता है। हमने थोड़े गाड़ी को उठा के थोड़े बैठ दी लाइन से। तो भाई चलान मरान नहीं है क्या तुम्हारा इसका? आरटीओ करता हूँ। तुम भेजो डिटेल भैया, नहीं कर रहे हैं। आदमी समझता भी तो नहीं है। तो आप डिटेल भेज दो ना, सीधे बात खत्म करो। ये सर क्या कितनी डिटेल भेज रहा है ये बताओ। सबका ऑनलाइन चलाना आ रहा है आपको थोड़ा ना, हाथ से भेजना चला। इनको खुद देखना चाहिए आरटीओ वालों को। नहीं सर हमारी गलती, अपना बताओ ना। आप इस गाड़ी में घंटा हो गया, आपके लिए बैलेंस भाई साहब आधा घंटा खराब हो गया यहाँ पे। अरे बहुत पागल लोग मिलते हैं यार रोड पे, बहुत ज़्यादा पागल लोग। वो पीछे एक गाड़ी वाला बोल रहा था कि तुम्हारी गलती है, टोल वालों को बोल रहा था। अब वो समझ में नहीं आया हाँ कि किसी गलती है। थोड़ा लेट हो गया मैं, के एफ सी आई नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। अब मेरे ख्याल से इस टोल के बाद आया के एफ सी। अब आना चाहिए, अभी नहीं आया दिल्ली, अभी तो मूर्थल आएगा। अब देखना, अब लेफ्ट साइड में नज़र रखना अपनी, ठीक है? अबे तेरे को नहीं बोल रहा भाई, मैं तू सीधे रख। देख लो फिर आँखें, कुछ आँख तुम्हारी आँखें सोने के लिए हैं। जब रिचार्ज हो रही है तो जुबान खुल जा रही है, वैसे फिर वैसे ही मुझ जाए फूल तरह पड़ जा रही पीछे। भाई ये बताऊँ तेरे को, मैं गया के एफ सी भाई, वेस्टर्न फेयरवेल आने वाला है थोड़ी देर में। के एफ सी तो आया नहीं कोई इस रास्ते में। लो भाई खा लो, अब सारे खाना भी नहीं खाया, कहीं और कुछ खा ही लेते। मेरा भी सोचो तो मैं पूछा 10 बार खाना है, खाना है, नहीं 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 कर रही थी ना। अब बिरयानी बोलते बोलते दिल्ली पहुंच गया यार। सही में केएफसी ने तो पोवर बना दिया हमारा। ताजू भी बात है यार, इस साइड केएफसी नहीं है। बर्गर किंग 4 बार दिख गया हम लोगों को, वही केएफसी हो रहा कैसी। मैंने क्या कहा था, बाय नहीं घूमिए जान से, तो मैं रिवर्स ले बाय। आराम करो, केएफसी वाले भी यार पता नहीं कहाँ बना दिया। ड्राइव थ्रू है शायद, नहीं वो तो लिखा हुआ है, वैसे जा सकते हैं। बहुत अच्छा भैया ले मुझे पोपट, हाथ को आए मुंह ना लगे। चंडीगढ़ से लेके अभी तक यहाँ तक हम लोग केएफसी देखते हुए जा रहे थे, और केएफसी मेरा जैसे हम लोग का टर्न घुमारा। वेलकम टू वेस्टर्न फेरीफिल एक्सप्रेस वे। अब एक बिस्कुट दे दो, बिस्कुट दे दो मेरे को। तो पहुंच गए अपने घर हम लोग, 9 दिन बाद पहुँच रहा हूँ। 10वां दिन है आज जब हम लोगों ने ट्रिप स्टार्ट करी थी लेह लद्दाख की, और आज खत्म हो गई है। और मेरा विस्की आ गया, मुझे बहुत मिस कर रहा था। बाप रे कितना गर्म हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे -3 था, -3। यहीं पे ले लद्दाख सीरीज का एंड होता है। आई होप आपको जो ये सीरीज है बहुत पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल नए हो सब्सक्राइब करो, और बाकी जो ले लद्दाख की सीरीज है उसका लिंक, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नए व्लॉग में, नई ट्रैवल सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, थैंक यू।